आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों के मजेदार लड्डू, जो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट। तो चलिए मजेदार से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है दो रोटी, ये रात की बची हुई रोटी है। अब हम लेते हैं मिक्सर जार और रोटी को इसमें तोड़ के डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, आसानी से पीस जाए। इलायची का मैंने छिलका निकाल लिया है, दानों को डाल देते हैं मिक्सर जार में ही। अब हम लेते हैं इसमें घी, एक चम्मच, दो चम्मच और ये तीन चम्मच। पूरा हमने अभी तीन चम्मच घी ले लिया है। और अब हम इसमें लेते हैं गुड़। घी डालने के बाद गुड़ भी डाल लेना है। गुड़ को भी यहाँ पे मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, तो अब हम इसे पीस लेते हैं। रोटी को हमने पीस लिया है, मिक्सी को रोकते हुए चलाया है और इसे हमने एक पीस लिया है। देखिए ठीक बन, इतना ही हमने इसे पीसना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। मिक्सर को मिला लिया है, तो अब इसके हम लड्डू बांधना शुरू कर लेते हैं। आप इसमें मीठा अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। देखिए पहले लड्डू बनके तैयार है, बनाते हैं और प्लेट में रखते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू को भी बांध लेते हैं। हुई रोटी की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप भी बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। जब भी रोटियां बच जाती हैं तो वो कोई खाता नहीं है या फिर वो वेस्ट ही हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो ये हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हुई रोटी के लड्डू बनके तैयार हैं, इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप भी बनाइए। आप बची हुई रोटी के लड्डू अगर आप एक बार इस तरीके से बना के खा लेंगे तो आप रोटी बचाएंगे इस तरीके से लड्डू बना के खाने के लिए। फिर नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।